हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति। प्रीतिका किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे मटर की चटनी, तीखी व एकदम टेस्टी चटनी, जो आपने शायद ही कभी खाई होगी और बनाई होगी। तो आप इसे झटपट 5 से 10 मिनट में कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। हरी मटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पैन को गरम कर लेंगे। 1 कटोरी के करीब मैं यहाँ ताजे मटर ले ली हूँ। मटर को अच्छे से छील के धो ली हूँ। मटर के दानों को पैन में डाल देंगे। मटर को चलाते हुए 3 से 4 मिनट सेक लेंगे। मटर अब थोड़ा सा सिक चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, 8 से 10 लहसुन की कलियां, सभी को मिला देंगे। मिर्ची, लहसुन, अदरक को भी 1 से 2 मिनट तक सेक लेंगे चलाते हुए। मिर्ची, लहसुन, अदरक सब अच्छे से थोड़ा सा सिक चुका है, तो अब इसको गैस को बंद कर देंगे। जैसे ही मटर ठंडा हो जाए तो उसको ग्राइंडर जार में डाल देंगे पीसने के लिए। डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक। नमक मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालें। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं बिना पानी के। चटनी हमारा पीस चुका है। चटनी को ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, दरदरा सही रखेंगे। सो फ्रेंड, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हरे मटर की चटनी की, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और मेरे चैनल पे नए हैं, प्रीतिका किचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।